हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं ऑलटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे इंडिया के अंदर पबजी को बैन कर दिया गया है। इस बात को लेके बहुत लोग निराश थे, काफ़ी लोगों को बुरा भी लग रहा है, लेकिन उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपको पबजी से प्यार है या वैसे ही बैटल रॉयल गेम खेलना पसंद है, हालांकि केवल पबजी वालों के लिए गुड न्यूज़ नहीं है, पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए गुड न्यूज़ है। आपको मैं बता दूं कि एक इंडियन बैटल रॉयल गेम हालांकि पहले भी ऐसे गेम बन चुके हैं, लेकिन वो इतने हाई क्वालिटी की नहीं थे, लेकिन अभी जो आ रहा है वो बहुत हाई ग्राफिक्स के साथ आने वाला है, और जो मल्टीप्लेयर और बैटल रॉयल जैसा गेम होता है बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट होने वाला है। उस गेम को अनाउंस किया है हमारे बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार सर ने। उन्होंने ट्वीट किया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सो दोस्तों, इस गेम को बना रही है एनकोर गेम्स की कंपनी, जो कि एक इंडियन बैटल रॉयल गेम होने वाला है। इस गेम का नाम रखा गया है फौजी। दोस्तों, नाम ही कितना ज़बरदस्त रखा गया है, थोड़ा सा पबजी से मिलता जुलता है। ये एक बैटल रॉयल गेम्स होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी ग्राफिक्स भी बिल्कुल पबजी की तरह हो। अगर सब कुछ इसने पबजी की तरह ही डाल दिया तो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में ये गेम बहुत ज़्यादा तहलका मचा देगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी केवल पोस्टर निकला है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फौजी नाम के नीचे देख सकते हैं हमारी जो टैगलाइन भी ज़बरदस्त है, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। इससे पता चल रहा है कि गेम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। हालांकि गेम आने के बाद थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला गेम बहुत अच्छा बनाया जाएगा और पबजी को पूरी तरह से टक्कर दे सकता है। अभी अनाउंस नहीं हुआ है, गेम को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कि ये 1 मंथ में आएगा या 2 मंथ्स में आएगा। कहने का मतलब है कि गेम को आने में काफ़ी समय लग सकता है। इसका अभी कोई टीज़र नहीं आया है, कोई गेम प्ले नहीं आया है। हालांकि मैंने यूट्यूब में देखा कि बहुत लोग इसका गेम प्ले डाले हैं, बट वो सब फेक है। अभी केवल इस गेम का पोस्टर आया है, अभी तक ऑफिशियली टीज़र नहीं आया और ना ही ऑफिशियली डेट अनाउंस की गई है। जैसे इस गेम की कोई अनाउंसमेंट आएगी मैं आप सबको बता दूंगा। बाकी बैटल रॉयल का कंसेप्ट वही रहेगा, जैसे 100 प्लेयर्स उतरते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत गेम प्ले के मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस किए जाए और आपको इंडियन यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। ये बात तो 100% कंफर्म है। और केवल इतना ही नहीं, अगर कहीं पे भी भूकंप आता है, भूख से लोगों की जान जाती है, तो आप लोग वहाँ डोनेट करते हो, तो बस आपको यहाँ पे भी यही करना होगा। आपको पता होगा हमारी इंडियन आर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे लिए, हमारे देश के लिए लड़ती है, तो उनके लिए भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुछ करें। तो बस आपको करना क्या होगा, देखिए इस गेम से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20% हमारे फौजियों को जनरेट किया जाएगा, जो कि एक संस्था है भारत के वीर, तो उनको डोनेट किया जाएगा। ये उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ रखी है। इसके साथ ही इन्होंने गेम भी अच्छा बनाया है। हालांकि एक चीज़ को लेके फोकस नहीं कर सकते, अगर उनको चाहिए कि पब्लिक हमारे पास बनी रहे तो उनको गेम की ग्राफिक्स और गेम प्ले पे भी फोकस करना पड़ेगा। और बैटल रॉयल का गेम हम लोगों को कितना ज़्यादा पसंद है, तो बस उसी कंसेप्ट पे ये गेम है। हमारी इंडियन कम्युनिटी भी ग्रो भी होनी चाहिए, इसका पहला स्टेप यहाँ पे लिया गया है, तो इसलिए आप सब भी इस गेम को ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको गेम पसंद नहीं आ रहा है तो बाद में आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर डाउनलोड नहीं करोगे तो वो चीज़ गलत होगी। जैसे पबजी मोबाइल जब आया था तो उसके बाद बहुत सारे हाई ग्राफिक्स के गेम लॉन्च हुए थे, लेकिन वो सारे गेम पबजी के सामने पिट गए, तो बस आपको वैसे नहीं करना है। हर गेम का बैकअप लेके चलना चाहिए, नए नए गेम्स ट्राई करते रहना है। हालांकि अब पबजी बैन हो चुका है, आप लोगों को पता ही है ये फैसला देश के हित में लिया गया है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे नहीं करना है। आप किसी एक गेम के पीछे नहीं पड़ना है, हर गेम का बैकअप लेके चलो। इस गेम को भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जब भी इस गेम की लॉन्च डेट, टीज़र या फिर कुछ भी इस गेम से रिलेटेड अनाउंसमेंट आती है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूँगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे सबको इस गेम के बारे में पता चल सके। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बिकॉज हम ऐसे ही आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहते हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑलटेक, गुड बाय।